दोस्तों, आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, वो इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कोचीन शिपयार्ड हो, गार्डन बीच शिपबिल्डर्स हो अथवा मजगांव डॉक्स हो, इन तीन चार शेयर्स को हम लगातार कवर करते रहते हैं और इन तीनों शेयर्स के भविष्य को लेकर हम सुपर बुलिश आज से नहीं है श्रीमान। जब ये शेयर्स नीचे धूल खाते थे, कोई इनको पूछता नहीं था, तब से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक इन शेयर्स ने 5 से 10 गुना मुनाफा दे दिया है और हमारे कई सारे क्लाइंट्स इन शेयर्स में निवेशित बने हुए हैं। दोस्तों, आज आप देख लीजिए, तिमाही रिजल्ट नहीं आए हैं, नहीं आए हैं तिमाही रिजल्ट, लेकिन अच्छे तिमाही परिणाम आएंगे। इसी उम्मीद के चलते इन कंपनियों के शेयर्स आज भाग रहे हैं, अनाप शनाप उछाल आया है तीनों, मजगांव डॉक्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं कोचीन शिपयार्ड के शेयर्स पर। और महोदय, हमने आपसे हमेशा निवेदन किया है कि इन शेयर्स को आप अपने रडार पर रखिए, हर गिरावट, जी हाँ हर गिरावट इन कंपनियों के लिए खरीदारी का मौका है, मौका बनी रहेगी। कारण यह है कि भारत में शिप बिल्डिंग की असीम संभावनाएं हैं, ना सिर्फ नेवी के लिए बल्कि नॉर्मल शिपिंग के लिए भी जहाजों की बेतहाशा डिमांड है। जहाज ही क्यों, पनडुब्बियां भी लगेंगी जिन्हें बनाने में मजगांव डॉक्स को मोनोपोली हासिल है। केवल मजगांव डॉक्स ही भारत का एकमात्र ऐसा शिपयार्ड है जिसे जंगी जहाजों के साथ पनडुब्बियां बनाने में अनुभव प्राप्त है। वैसे पनडुब्बियां बना तो एलएनटी भी सकती है, लेकिन उन्हें बनाने का मौका नहीं मिला है। मिल जाएगा तो हम तो वैसे भी कहते हैं कि आप एलएनटी डिफेंस में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, एलएनटी डिफेंस तो शेयर मार्केट में है नहीं, तो फिर ले दे के एलएनटी में ही निवेश करना पड़ता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अभी जो इन शेयर्स में उछाल आया है, उसके बाद इन कंपनियों के शेयर्स डेली चार्ट पर ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच गए हैं, थोड़ा ज्यादा उत्साह है। हमारे क्लाइंट्स ने नीचे के लेवल पर ले रखा है, इसलिए अभी हम आपसे निवेदन करते हैं कि चढ़ चढ़ के ऊपर ज्यादा मत खरीदिएगा। हाँ, जिन क्लाइंट्स ने नीचे खरीदा हुआ है वो अब टॉप अप करना चाहते हैं, तो वो अपने पसंदीदा स्टॉक्स में एक आध किस्त और बढ़ा सकते हैं। तिमाही रिजल्ट अगर उम्मीद के अनुसार अच्छे आ गए तो महोदय, जनता इतनी चढ़ जाएगी इन जहाजों के ऊपर कि भाई साहब ये समुद्र में डूब जाए। पॉइंट यह है कि सब लोगों को महोदय कसा हुआ घोड़ा चाहिए, किसी को इंतजार नहीं करना है, मौके को देखना नहीं है। नीचे अगर लोगों से कहिएगा कि आप खरीदिए तो सबको भाई साहब चिनूने काटते हैं, सबको लगता है कि अरे यार ये शेयर तो चल नहीं रहा है, चलो दूसरे शेयर्स देख लो जो चल रहे हैं। तो इसी भागम भाग में लोग बाग लगे हुए हैं, जैसे कि आप किसी भी मॉल में देखते हो, रेलवे स्टेशन में देखते हो, आदमी जिस लाइन में लगता है उसको तुरंत ये आभास होता है कि साहब यही लाइन है जो धीमी चल रही है, दूसरी लाइन तेज चल रही है, तो वो अपनी लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में जाता है। जब दूसरी लाइन में जाता है तो उसे लगता है कि जिस लाइन को छोड़ के आए हैं वही तेज थी। तो ये सामान्य प्रकृति है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या शेयर मार्केट हो, सब जगह ये लागू होती है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में से किसी एक दो स्टॉक को पसंद कीजिए। रही बात दोस्तों इन शेयर्स में से कौन सा शेयर फाइनलाइज करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, इस बारे में यदि आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी आप मेरा क्लाइंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा।